हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज जो डेट है 9 जनवरी 2021, मेरा ट्रेनिंग को अभी लगभग 10 दिन हो गया है। सो दिस इज़ वीडियो लॉग 1 अबाउट माय ट्रेनिंग। तो अभी जो मैं पहुंच चुका हूं यहां ट्रेनिंग स्कूल, अभी भी गेट नहीं खुला है, 9 बजे टाइम है गेट खुलने का। तब तक मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि ट्रेनिंग में एक्चुअली होता क्या है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जो पूछते हैं कि ALP ट्रेनिंग में एक्चुअली क्या सिखाया जाता है, तो मैं बताता हूँ। अभी जो है हम लोग को ट्रेनिंग के लिए 4.5 मंथ्स का शेड्यूल दिया गया है। इसमें हम लोग को इलेक्ट्रिकल इंजन ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद फिर सिग्नल ट्रेनिंग, और उसके बाद फिर डीजल लोको ट्रेनिंग है, और इसके सबसे लास्ट में हम लोग का LR है जो एक्चुअली रूट लर्निंग है। ये टोटल सब मिला के अराउंड 4 एंड हाफ मंथ्स है। तो टोटल ये जो 4.5 महीने का ट्रेनिंग है, इसके बाद एक एग्ज़ाम होता है। अगर आप वो सक्सेसफुली पास करते हैं तो आपको लॉबी अलॉट हो जाता है। तो अभी जो चल रहा है यहाँ आसनसोल में, ये ELTC आसनसोल है। बेसिकली इलेक्ट्रिक लोको के बारे में यहाँ पढ़ाया जाता है। यहाँ पर क्या है कि स्टाफ्स अच्छे हैं और फैकल्टीज़ भी अच्छे हैं, क्लासरूम और अदर फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। क्लासरूम जो है स्मार्ट बोर्ड है, स्पेसियस है, और चेयर्स भी कंफर्टेबल है, क्योंकि हम लोग का ट्रेनिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलता है, तो थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। और इस बीच में अगर देखा जाए तो हम लोग को 3-4 बार ब्रेक मिलता है। इस ब्रेक में जो सबसे बड़ा ब्रेक होता है वो लंच के लिए होता है, दैट इज़ अराउंड 1.5 आवर्स। यहाँ पर जो बेसिकली अभी हो रहा है, फर्स्ट हाफ में पूरा पढ़ाई होता है, और फिर यहीं पे नीचे में एक मॉडल लोको बनाया गया है। हम लोग को फिर वहीं पे ले जाके जो भी पढ़ते हैं उसको वहाँ पे रियल टाइम में उसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है वो हम लोग को दिखाया जाता है। और यहाँ पे एक सिमुलेटर रूम भी है, इन केस अगर हम लोग जब ये ट्रेनिंग ऑलमोस्ट सक्सेसफुली सब कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग को सिमुलेटर में भी जाने का टाइम मिलेगा, और वो एक्सपीरियंस की रियल टाइम जब ट्रैक पे रहेंगे तो क्या क्या सिचुएशन आ सकती है, और या फिर क्या सिग्नल्स है, क्या फॉलो करना है, वो सब हम लोग सिमुलेटर रूम में सीखेंगे। तो अभी बात करते हैं जॉइनिंग के बारे में, और उसके बाद यहाँ पे कैसे यहाँ पे आते हैं और क्या क्या प्रोसेस फॉलो करता है करना होता है। तो जॉइनिंग हम लोग का लगभग अराउंड 3 दिन का समय लगा था। 3 दिन ही कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन हम लोग को सबमिट करना पड़ रहा था, और उसके बाद 3rd डे हम लोग को बोला गया था कि आप लोग जो है ELTC आसनसोल रिपोर्ट करिए और हम लोग यहाँ से सारा लिस्ट भेज देंगे। तो फिर हम लोग अपना 28 को यहाँ पे ज्वाइन किए आए, तो सब कुछ यहाँ पे तो स्मूथली हुआ, सब प्रोसेस में था। यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म के लिए 1 वीक का टाइम दिया जाता है कि आप 1 वीक में अपना यूनिफॉर्म बनवा लीजिए, और उसके बाद सभी को यूनिफॉर्म में ही आना होता है। जो नेवी ब्लू पैंट और स्काई ब्लू जो शर्ट है वही प्रोसेस है। यहाँ पर जो है हॉस्टल भी है, जो लड़के या लड़कियाँ बाहर से आ रही है रन करने के लिए, तो वो लोग यहाँ पे हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाता है उन सभी को। हॉस्टल का जो चार्ज है वो 0 है, लेकिन आपको क्या है जो मेस चार्ज देना होता है, तो वो अराउंड 1000 रुपीज़ पर वीक का पड़ता है। अभी तक तो ये क्लासरूम्स ओपन नहीं हुए हैं, तो क्लासरूम्स ओपन होता है फिर आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि क्लासरूम किस टाइप का होता है और कैसा बेंच और चेयर्स किस तरह का रहता है।
अभी हम लोग का क्लास ऑफ हो गया, सैटरडे था इसलिए 1 बजे क्लास ऑफ हो गया है। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चंस है ट्रेनिंग से रिलेटेड या रेलवे से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स।